एक दिन पृथ्वी के सभी प्राणी अपनी अपनी शिकायतों के साथ भगवान के पास पहुंचे। मकड़ियों ने शिकायत की कि हिरण उनके जाले तोड़ देते हैं। हिरणों ने डरते हुए कहा कि शेर उन्हें खा जाते हैं। फिर शेरों ने शिकायत की कि हिरण तेज दौड़ते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों ने हवा पर आरोप लगाया कि वह उन्हें रास्ते से भटका देती है। हवा ने पहाड़ों पर आरोप लगाया कि वे उसकी राह में बाधा डालते हैं। फिर पहाड़ भी कैसे पीछे रहते। पहाड़ों ने बारिश से अपनी दुर्दशा की शिकायत की, जबकि बारिश ने हवा को दोष दिया। चूहे उल्लुओं से डरते थे, जो उन्हें खा जाते थे, जबकि उल्लुओं से अधिक अंधेरी रातों की मांग की। मुर्गियों ने लोमड़ियों पर हमला करने का आरोप लगाया और लोमड़ियों ने मनुष्यों को दोषी ठहराया कि वे उनकी नस्ल को खत्म करने पर तुले हैं। मनुष्यों की भी अनगिनत शिकायतें थी। दक्षिण के लोग सूरज की गर्मी से परेशान थे, जबकि उत्तर के लोग इसे कम समझते थे। कुछ लोग बारिश की कमी का रोना रोते थे, तो कुछ देशों में युद्ध की मार झेलने वाले लोग भगवान से शांति की गुहार कर रहे थे। पड़ोसियों के बीच भी बहुत सी बातों को लेकर असहमति थी। कोई अपने बगीचे पर घर बनने की शिकायत कर रहा था, तो कोई व्यापार में हो रही लगातार प्रतियोगिता से। कुछ लोग दूसरों के धर्म और उनके खान पान से नाराज थे। गरीब लोग अमीरों की खुशियों से असंतुष्ट थे, तो अमीर गरीबों की संख्या को कम करने की मांग कर रहे थे। जमींदारों को मजदूरी महंगी लगती थी, जबकि मजदूरों को मजदूरी बहुत कम लगती थी। राजा अनुशासन की मांग कर रहे थे और चोर दरवाजों और तालों के आविष्कार पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अंततः भगवान ने इन सब की शिकायतों का सामना किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। वो मुस्कुराए और बोले, तुम सब अपनी परिस्थितियों की कठिनाइयों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, लेकिन जीवन के उपहारों को स्वीकार करने की समझ तुम में कम है। तुम मुझे समझने का दावा करते हो, लेकिन न खुद को समझते हो न ही दूसरों को। ये संसार एक अद्वितीय एकता है। मेरी शक्ति ही धूप है, मेरी शक्ति ही छाया है। मैं सर्दी हूँ, मैं गर्मी हूँ, मैं ही लोमड़ी हूँ और मैं ही मुर्गी हूँ। मैं मित्र हूँ और मैं शत्रु भी, खाने वाला भी मैं ही हूँ और जिसको खाया जा रहा है वह भी मैं ही हूँ। हर चीज़ मेरी है, और जब तक तुम यह नहीं समझते, तब तक तुम इस सृष्टि की पूर्णता का आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन की हर परिस्थिति का अपना स्थान और महत्व है। अक्सर हम सभी इस बात को नहीं समझ पाते और हमेशा दूसरों को दोष देने में ही लगे रहते हैं। सिर्फ उनकी बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से असंतुष्टि और दुख से भरा रहता है और हम जीवन की अच्छी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हमेशा असंतुष्ट रहने से हम जीवन का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाते और बहुत सारी अच्छी बातों से वंचित रह जाते हैं। जबकि जीवन में समझने वाली बात यह है कि दोनों ही अच्छाई और बुराई एक साथ आती हैं, इसलिए हमें उनको बराबरी से स्वीकार करना आना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर रात के बाद दिन होता है और दिन बीत जाने पर फिर से रात आती है। इसलिए सुख और दुख तो जीवन में लगातार चलते ही रहते हैं। इन दोनों को एक जैसा स्वीकार कर लेने से जीवन आसान हो जाता है और हम कुछ अच्छा और ऊंचा सोच पाते हैं, क्योंकि सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, मित्र शत्रु, ये सब एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। जो लोग केवल अपनी शिकायतों पर ध्यान देते हैं, वे इस अद्वितीय एकता और जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते। जीवन में संतुलन और समझ विकसित करना ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए जीवन में हमेशा संतुष्ट रहने की कोशिश करें। समय हमेशा बदलता रहता है। यदि आज की इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली हो और इसके भाव ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और संतुष्ट रहें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।